तुम्हारे लोग क्या आया हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू डिजाइन टेक्चर, आप लोगों के न्यू टेक्चर लेके आया हूँ। तो ये दीवार आप ब्लू देख सकते हो, ब्लू दीवार, इस पे हमारा टेक्चर का डिजाइन आएगा। और ये हमारा ब्लू दीवार पहले व्हाइट था, ऐसा था जो प्लास्टिक पेंट पहले से लगा था। तो हमने इस पे रॉयल लग्जरी मुल्तान बेस कोट मार रखा है, जिसका सेट नंबर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। एक कोट तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हो आप लोग, ये हमारा बटर पेपर है, जिससे कि हमारा डप्पल का डिज़ाइन आएगा। जो हमारा टेक्सचर निकलेगा वो डप्पल का वही बटर पेपर से निकलेगा। तो देखिए कैसे इसको मोड़ रहे हैं, देख सकते हो। इसको सब एक एक पेपर करके सब मोड़ लेने का है, देख सकते हो कैसे मोड़ रहे हैं। पेपर को हमें लेना है, उसका एक कोना फिर दूसरा कोना, मतलब चारों कोना एक दूसरे से पकड़ लेना है और बीच से हमें फोल्ड कर देना है। देख लेते हो, एक से दूसरे कोना और दूसरे कोने से दूसरा कोना, मतलब चारों कोना इकट्ठा करके अब बीच से हमें मोड़ देने का है। ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे हम सब अपना पूरे का पूरा पेपर मोड़ लेंगे। तो दोस्तों मैं अभी नया था इसलिए मैं नहीं मोड़ पा रहा हूँ, बाकी इनका तो एक्सपर्ट है। ये मोड़ देखो कितना फास्ट से मोड़ रहे हैं, मैं उतना जल्दी नहीं मोड़ पा रहा हूँ। चलिए पूरा मोड़ लेते हैं। अभी हमारा फाइनली सब पेपर मोड़ के होने वाला है, ये लास्ट पेपर बचा है। तो मैं आता हूँ, तो देख सकते हो हमारा सब पेपर अभी मोड़ के हो गया। देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देखो हमारा इतना सब बंडल बन गया। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, ये हमारा रॉयल प्ले है नॉन मेटेलिक, ये मेटेलिक कलर नहीं है इसलिए हम इसको नॉन मेटेलिक बोल रहे हैं। निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखो इसका सेट नंबर है 7454, इसका सेट नंबर है। और देखिए एशियन पेंट का है, लगभग 790 रुपये का है ये। इसको हम खोल के आपको दिखा देते हैं, ये देखो ये भी हमारा ब्लू कलर में, एकदम पूरा डार्क ब्लू में है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं और दिखा। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, अभी हमने बकेट ले लिया है और इसमें अपन हम रॉयल प्लग नॉन मेटेलिक कलर में हम पलट लेते हैं। देखो पलट रहे हैं इसको और पूरा हमें ले लेना है। दोस्तों हमें इसमें पानी ज़रा भी नहीं लेने का है, क्योंकि हमारा नहीं तो ढप्पल का जो डिज़ाइन है पतला हो जाएगा, तो ढप्पल का डिज़ाइन अच्छे से निकलेगा नहीं, इसीलिए हमें कुछ भी पानी नहीं लेने का है। पूरा ऐसा कलर लेने का है, देख सकते हो लगभग हमने 1.25 लीटर कलर ले लिया है। दोस्तों ये आपको एशियन पेंट की दुकान पर 793 रुपये प्राइस है, लेकिन इसको 700 साढ़े 700 में आपको मिल जाएगा। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, देख सकते हो कुछ भी हम पानी नहीं मिला रहे हैं और अभी हम इसको मिक्स कर लिए हैं। तो चलिए अभी हम दीवार को इस पर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों कलर लगाने से पहले हमें बाजू वाला दीवार अच्छे से पैक कर लेना है, क्योंकि हमारा बाजू वाला दीवार ख़राब ना हो। तो देखिए अभी हमने इसको पैक कर रहे हैं, आपको एक पूरा सीधा टेप मार देने का है, उसके अंदर आपको न्यूज़पेपर उसके अंदर फाड़ फाड़ के लगा देने का है। तो देख सकते हो हम लोग कैसा उसको चिपका रहे हैं, आप कैसा भी चिपका सकते हो, या फिर टुकड़ा टुकड़ा करके चिपका सकते हो, या फिर अक्खा ही चिपका सकते हो। हमने अक्खा ही चिपका है, देख सकते हो कितना अच्छा हमने पैक किया है। दोस्तों हमें पैक करने से ये फ़ायदा रहता है कि हमारा कोने का जो मारने को रहता है तो हमारा अच्छे से उधर रोलर घूम जाता है, नहीं तो अपना ब्रश से ही मारना पड़ता है और ब्रश का लाइनिंग बाद में दिखता है, इसलिए हम पैक कर लेते हैं ताकि हमारा रोलर अच्छे से घूम जाए। तो आपको भी पैक कर लेना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों फाइनली हमारी दीवार पूरी पैक हो चुकी है, हमने एक दीवार पहले से पैक कर रखा था और दूसरी दीवार ये है, ये हम दिखा देते हैं आपको। दोनों दीवार हमारी पूरी अच्छी तरीके से पैक हो चुकी है, देख सकते हैं हमारी पूरी की पूरी दीवार पैक हो गई। देखो दीदी हमारा ये अच्छे से पैक हो गया है, ये बाजू का भी। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा अच्छे से पैक हो चुका है। अभी हम अपना रॉयल प्ले नॉन मेटेलिक कलर जो अपना है उसको लगा लेते हैं
भी देख सकते हो, हमारा रोलर ये और हमारा मेटेलिक कलर ये। आप रोलर कौन सा भी ले सकते हैं, इंटीरियर रोलर कौन सा भी ले सकते हैं, अच्छा होएगा आप अपनी एप्लीकेशन रोलर रहे जिसका बाल बिल बड़ा रहता है ताकि हमारा अच्छे से माल छूटे दीवार पे, क्योंकि अपना अच्छे से माल छूटेगा तभी अपना डप्पल का डिज़ाइन या फिर कौन सा भी डिज़ाइन रहेगा तभी वही अच्छे से निकलेगा। तो देख सकते हो पहले हम साइड साइड से कटिंग कर लेते हैं, हमारा कटिंग हो चुका है, अभी हम रोलर से इसको अप्लाई कर देते हैं दीवार पे। तो देख सकते हो हमें एक साइज मतलब एक लेवल से माल मारने का है, मतलब कि एक लेवल से माल चढ़ाने का है। देख सकते हो हम कैसा माल चढ़ा रहे हैं, एक साइड से अपना ज़्यादा रोलर को रगड़ने का भी नहीं है, आराम आराम से हमें अपना माल छोड़ देने का है। तो देख सकते हो हम कैसे माल छोड़ रहे हैं, आप भी ऐसा ही छोड़ सकते हो, देख सकते हो दोस्तों हमें बिल्कुल एक लेवल से ही माल छोड़ कि दोस्तों देख रहे हो हमारे अपना ऊपर ऊपर का साइड पूरा एक साइड से मार लिया है। अभी हम अपना बटर पेपर जो है इसको सीधा कर लेते हैं एक एक करके। तो देखो मैं भी बटर पेपर अपना सीधा कर लेता हूँ, जो हमने पहले से अपना बटर पेपर मोड़ के रखा है उसको सीधा कर लेते हैं, और जो अपना बटर पेपर अच्छे से नहीं मुड़ा उसको थोड़ा मोड़ भी लेंगे और सीधा कर आपको दिखा देते हैं करीब से। ये देख सकते हो सीधा करने पर हमारा बटर पेपर का जो टेढ़ा सीधा यही डिज़ाइन है ये अपना डप्पल का डिज़ाइन हो जाएगा दीवार पे चौकाने के बाद। देख सकते हो पूरा अच्छे से हमको पूरा ऐसा सीधा कर लेना है। तो देख रहे हो अपना बटर पेपर इस पे दीवार पे चिपकाना चालू कर दिए, हमने चिपका रखा थोड़ा भी चालू कर दिए। देख सकते हो आपको भी पेपर लेना है और इसे दीवार में चिपका के आपको हल्के हल्के हाथ से जगह जगह पे ऐसे टच कर देने का। देख सकते हो कैसा कर रहे हैं, उंगली और अपना ये मतलब हाथ से थोड़ा थोड़ा दबा देने का ऐसा ताकि अपना पेपर चिपक जाए और जो पेपर में ऐसा मतलब आड़ा काड़ा लाइनिंग है वो अपना दीवार पे टच हो जाए, क्योंकि अपना आड़ा काड़ा लाइनिंग ही अंदर दिखने वाला, वैसे के ऊपर टेक्सचर का डिज़ाइन आएगा अपना। तो आप पेपर कैसा भी चिपका सकते हो, खड़ा आड़ा ऐसा कुछ नहीं कि आप खड़ा ही चिपकाओ आड़ा ही चिपकाओ। लेकिन दोस्तों हाँ एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका एक पेपर दूसरे पेपर के ऊपर हो ना कि उसके नीचे हो, हर एक पेपर पेपर के ऊपर ही रहे। देखिए हम लोग अभी इसमें बढ़ा के लगा रहे हैं, देख सकते हो इधर अपना पेपर एक पेपर के ऊपर चढ़ा हुआ है ताकि आपको निकालने में आसानी से निकल जाए, ना कि पेपर के बराबर रहे ना कि पेपर के नीचे रहे। तो अपना उसके ऊपर ही रखना है और ऐसे हल्के हाथ से उसको सिला देना है। देख सकते हो हम सिला दे रहे हैं और आगे से सबको ऐसा कर लेने का। मान लो बीच में किधर आपका कुछ बोर्ड है या फिर कुछ है पर्दे का डंडा है तो उसको भी आप पेपर को फाड़ सकते हो। तो देख सकते हो हम लोग अच्छे से चिपका रहे हैं अभी एक एक करके। आप पेपर को बिल्कुल नहीं कि आप पेपर को अखा ही लगाएं, आप इसको फाड़ भी सकते हैं, थोड़ा फाड़ सकते हैं जितना आपको लगने वाला उतना ही लगाएं। जैसा कि देख रहे हो हमारा सीलिंग में उतना गैप रह गया 4 इंच का, तो उसको हम थोड़ा पेपर फाड़ लेंगे 4 इंच के साइज़ का ही और उसको हम बीच में लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उतना हम लगा रहे हैं। तो चलिए हम पूरी दीवार को चिपका लेते हैं फिर। तो अभी हमारा ऊपर का लगा के हो गया है और अभी हम नीचे का लगा लेते हैं। तो चलिए पूरा तो अभी देख सकते हो हमारा पूरा होने को हो गया, पूरा हमारा बटर पेपर लगा के हो गया। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं और अब देखते हैं कैसा हमारा टेक्सचर का डिज़ाइन आता है।
तभी अभी हमें अपना निकालना शुरू कर दिया है। अभी देख सकते हो हम अपना निकाल रहे हैं। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करने का है, जैसे जैसे आप लगाए तो जो पहला पेपर लगाया था उधर से शुरू करना है निकालना, और एक एक पेपर बिना पेपर बिना डरे उसको आराम आराम से खींच देना है, बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। और जिधर जिधर आपका टेक्चर नहीं निकला है, मान लो डिज़ाइन नहीं अच्छे से उधर हुआ है, तो आप पेपर से उसको सब निकाल सकते हैं बाद में। तो देख सकते हैं हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, अभी दिखा सकते हैं मेरे करीब से, देख सकते हो हमारा कितना अच्छा का डिज़ाइन निकल रहा है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है हमारा ढप्पल का डिज़ाइन जो है। देखिए कितना अच्छा इसका फिगर वगैरह अच्छे से आ रहा है, पूरा दिखा था आपको। तो चलिए हम पूरा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हमारा आधी से ज़्यादा दीवार निकल चुकी है, पेपर हमने निकाल लिया, और जिधर अपना डिज़ाइन नहीं निकला है उधर हम पेपर बटर पेपर से दोबारा टचअप कर करके ऐसे दबा दबा के उधर ढप्पल का डिज़ाइन अपना बना ले रहे हैं, और बाकी का तो हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने जिधर जिधर नहीं निकला था उधर हम बाद में टचअप कर दे रहे हैं। तो जिधर आपको लगे कि अपना इधर टेक्चर कम निकला है तो आप उसको बाद में टचअप कर सकते हैं। तो देख सकते हो हम लोग जिधर जिधर नहीं उसको कर लेते हैं टचअप बाद में उसको कर लेते हैं, जितना अपना नहीं निकला उसको। देख सकते हो कुछ भी नहीं है अपने को डरने का है, पूरे का पूरा पेपर है हमारा निकाल के हो गया। देख सकते हो अब किधर किधर पेपर टूट जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं, उसको आराम से आप निकाल सकते हैं, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो हमारा अभी सब पेपर निकाल के हो गया, देख सकते हैं अभी हमारा ढप्पल का डिजाइन पूरा निकल गया, पूरी का पूरा दीवार आपको दिखा देते हैं। देख सकते हो हमारी पूरी की पूरी दीवार निकल चुकी है ढप्पल की डिजाइन। अपना बेस भी अंदर ब्लू ही था इसलिए उतना डिजाइन नहीं दिख रहा है कैमरे में, लेकिन सामने से देखने बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और अपना शाम भी हो गया था, लगभग 7:15 बज गया था, आपको घड़ी दिखा देता हूँ, ये देखो अपना 7:15 बज गया है। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो।